राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं पपीता, इस पर थोड़ा सा अभी फंगस आ गया है जो लीफ कर्ल बोलते हैं। इससे पीला हो जाता है और इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती है। देखिए, तो इसको रोकने के लिए अपने को स्प्रे करना पड़ेगा जो अपने ही पौधे की वापस से ग्रोथ चालू हो जाए। नहीं किया आपने अगर इसका रोकथाम तो ये अपना नुकसान दे सकता है और दूसरे पौधे पर भी जा सकता है। इसलिए इसके रोकने के लिए आज दवाई छीटेंगे इस पर, तो दिखाएंगे आपको इसमें कौन सी दवाई काम करेगी। तो बने रहे वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये पावर ग्रो है मेंडोजोल 63% और कार्बन डाइजाइम 12% WP। ये पाउडर फार्म है, इसका हमें घोल करना है और ये 10 टंकी का है। और साथ में नीम जेल TCS, इसका भी हमें घोल करना है, 10 टंकी का है ये भी। और साथ में एक UPL का उलाला इंसेक्टाइड है, ये मच्छरों के लिए है, इससे सभी तरह का प्रकार के मच्छर ख़त्म हो जाएंगे और अपना पौधा सुरक्षित रहेगा। और साथ में एक चिपको मिलाएंगे। देखिए, इन सभी का मिश्रण करेंगे बाल्टी में। ऐसे आपको नाप लेना है और 10 नाप इस बाल्टी में डालना है तो 10 टंकी का पूरा हो जाएगा। ये क्या है कि पत्ते को टेक रहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट टंकी में नहीं डाल सकते हैं और अपने को अंदाज भी नहीं मालूम पड़ेगा, इसलिए अपने को माप से पानी डालना है और पूरा 10 टंकी का बना ले। फिर उसके बाद में छिड़काव करें। इससे क्या होगा, एक जैसी दवाई मिलेगी आपकी और एक जैसा काम करेगी। अगर आपने कहाँ कम डाल दिया, कहाँ ज़्यादा डाल दिया, तो फिर अपन फसल को कहाँ कम करेगी और कहाँ ज़्यादा काम करेगी, ऐसा होगा। इसलिए नाप बनाकर ही काम करें। पपीता में वायरस लीफ कर्ल से ही आता है और ये अपने पूरे पौधे को ऊपर से छतरी को ख़त्म कर देता है और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके लिए अपने को दवाई का स्प्रे ज़रूरी है, तो आज मिला लेते हैं सभी दवाई। तीनों चारों का मिक्सर कर लेते हैं बाल्टी में। 10 माप कर लिए है इसमें पानी के। अब इसमें अपने को दवाई मिलाना है सभी। ये पाउडर हम डाल रहे हैं पानी में, इसको अच्छे से पानी में मिलाना है 5-10 मिनट के लिए। फिर एक डंडी से हिला हिला के इसको पूरा मिक्स करना है। दवाई ऐसे छिटे इस तरीके से तो सभी मच्छर ख़त्म हो जाएंगे आपके। ये देखिए, हमेशा मच्छरों पत्ती के नीचे ही रहते हैं, इसलिए हमको उनको नीचे से स्प्रे पूरी पत्तियों पे करना है, हर पौधे पे करना है, छोड़ना नहीं है। ये देखिए, ऐसे सभी पौधों पर अच्छी तरह से दवाई का स्प्रे हो जाएगा और अपना वायरस ख़त्म हो जाएगा, सभी प्रकार के मच्छर भी। ये देखिए, आप पंप बैटरी वाला रखिए, रोक रोक के हर पौधे पर स्प्रे कीजिए इसका। ये देखिए, और जहाँ अपना मेन पॉइंट है वहाँ पर अवश्य छिड़काव करें, क्योंकि वहीं से फुटिंग चालू होती है दोस्तों और वहीं से मच्छर बैठते हैं। वहाँ पर हमेशा नरम पत्ती रहती है, इसलिए वो ज़्यादा अटैक छतरी पर ही करते हैं जहाँ से अपनी फुटिंग हो रही है। इसलिए उनको अच्छी तरह से दवाई का स्प्रे कीजिए।